भिवंडी स्थित कामतघर ताड़ाली के शमशान भूमि में बने 15 वर्ष पुराने 20 लाख लीटर पानी टाकी का उद्घाटन तथा बूस्टर पंप का भूमि पूजन भिवंडी महानगर पालिका की महापौर श्रीमती स्व प्रतिभा विलास पाटिल के करकमलों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर नगर सेवक व माजी गट नेता नीलेश चौधरी, नगर सेवक मनोज काटेकर, गट नेता व नगर सेवक हनुमान चौधरी, नगर सेवक अशोक भोसले, नगर सेवक श्यामजी अग्रवाल, नगर सेविका अस्मिता ताई चौधरी, नगर सेविका दीपाली दिनेश पाटिल, योगिता महेश पाटिल, भाजपा शहर उपाध्यक्षा सत्यशीला जाधव, समाज सेवक दिनेश पाटिल, पानी पुरवठा अधिकारी एलपी गायकवाड़, जनसंपर्क अधिकारी मिलिंद पलसुले सहित भारी संख्या में मान्यवर तथा कामतघर ताड़ाली के स्थानिक उपस्थित थे। आगे हम आपको बता दें कि पानी टाकी के उद्घाटन से आने वाले दिनों में कामतघर के गणेश नगर, भाग्य नगर, हनुमान नगर, राजू शेठ चाल, राजीव गांधी नगर, शिवराम नगर, साई नगर, न्यू ताड़ाली, जूनी ताड़ाली, अंजूर फाटा, हलवा पाड़ा, आदिवासी पाड़ा, इन सब परिसरों में पानी की समस्या दूर हो जाएगी। ऐसी जानकारी भिवंडी मनपा महापौर सम्माननीय श्रीमती स्व प्रतिभा विलास पाटिल व मान्यवर तथा स्थानिक नगर सेवकों ने दी। सर्वप्रथम तो सभी लोगों को आज नवरात्रि के चौथी माल है और आज हम सभी यहाँ देवियाँ पधारी है और ये भिवंडी शहर का एक अच्छा परिसर है और इस शुभ अवसर पर हमने लोगों ने यहाँ पे ताड़ाली के सभी नगर सेवकों ने मिल के इस परिसर के सभी जनता को एक अच्छा पानी की सुविधा देने के लिए जो कार्यक्रम यहाँ पे हमने आयोजित किया, लोगों की पानी की जो समस्या थी हमारे अंजूर फाटा से लेके ताड़ाली कामतघर ये सभी परिसर के 1 लाख लोगों को यहाँ से 20 लाख पानी का प्रोविजन यहाँ से होगा और लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। हमें सभी नगर सेवकों का और नगर सेविकाओं का, हमारे बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने भिवंडी शहर के हमारी इस जनता को एक अच्छा पानी देने का सोचा और सभी लोगों को हम यहाँ पे सब धन्यवाद देते हैं और सभी आए हुए पत्रकार और यहाँ की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे नगर सेवक एक अच्छा काम यहाँ पे हमेशा ही करते हैं और एक भरोस में पड़ गई है और एक अच्छा काम वो लोग करेंगे। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं हमारे भिवंडी के सभी नागरिकों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ, मेरी तरफ से, मेरी परिवार की तरफ से। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे भिवंडी की प्रथम नागरिक प्रतिभाताई पाटिल महापौर यहाँ पे आए और उन्होंने ये 10-12 साल से जो काम पेंडिंग पड़ा था, बहुत समस्या थी पानी की, और उन्होंने हमेशा हमें साथ दिए और आगे भी साथ देंगे। और उनके यहाँ पे आने से हमें एक उम्मीद जगी है हमारे में कि आगे भी जो हमारी, क्योंकि एक महिला ही महिला की समस्या थी, पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, आज भी हमें उससे फेस करना बहुत पड़ रहा है। और अभी ये जो काम हो जाएगा तो उसमें सबको एक तसल्ली मिल जाएगी और एक बहुत अच्छा काम होने वाला है। थैंक यू। माझ्याकडून आणि माझ्या परिवाराकडून सर्व नागरिकांना नवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा देते आणि तसेच इथे खूप वर्षानंतर पाण्याचे जे आपले निलेश भाऊ आणि हनुमान भाऊ यांनी पाठपुरावा करून खूप मेहनत घेऊन आज तो कार्यक्रम आयोजित केला आहे आणि लवकरात लवकर ताडाली परिवार आणि ताडाली परिसरातल्या सगळं वाड्याला पाणी मिळेल आणि आपल्या प्रमुख पाहुणे आपले महापौर मॅडम यांचे पण खूप आभार मानते की त्यांनी त्यांचा महत्त्वाचा टाईम आपल्याला सगळ्यांना दिला आहे। धन्यवाद। मैं नवरात्र के पावन पर्व के ऊपर सभी भिवंडीवासियों को, सभी मेरे क्षेत्र के लोगों को इस नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ और ख़ास करके हमारे प्रथम नागरिक जो महापौर प्रतिभाताई पाटिल और हमारे विधायक महीजी चौगुले, इनके अथक प्रयत्नों से उन यहाँ पे एक सब पंप का जो आज भूमि पूजन हुआ है मैडम के हाथों से, और यही काटेकर साहब ने कहा है जब पंप का भी ओपनिंग हुआ और ये जो पानी लोगों को पिलाने का ये भी काम हमारी प्रतिभाताई पाटिल ही करेंगी, ऐसा मैं आश्वासित करता हूँ। और आने वाले दिनों के अंदर इस कामतघर, ताड़ाली, अंजूर फाटा, हनुमान नगर हो, ब्रह्मान नगर हो, या राजीव गांधी नगर हो, रामू शेठ की चाल हो, हलवा पाड़ा हो, या आदिवासी पाड़ा हो, शिवराम नगर, साई नगर, या सभी गणेश नगर, भाग्य नगर हो, यहाँ से सभी लोगों को यहाँ से पानी वितरित होगा और आधा जो काटेकर साहब ने कहा आधा कामतघर के टाके से जाएगा, आधा इस टाके से जाएगा, तो दोनों को मुबलक पानी मिलेगा और सबको एक समान पानी मिलके आज पूरा पानी मिलेगा और अच्छा होगा।
तो महापौर यहाँ पर आई, इसके लिए खास करके मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उनका आशीर्वाद तो इस क्षेत्र के ऊपर है ही और आगे भी रहेगा, और आने वाले दिनों के अंदर यहाँ पे जो विकास के काम होंगे वो प्रतिभा ताई पाटिल और महेश जी चौगुले, इनके माध्यम से आप पूरा देख लेंगे। के अवसर पे सभी नागरिकों को मेरी तरफ से, हमारे सब पार्टी की तरफ से लाख लाख शुभेच्छा देता हूँ। बहुत दिन से ये टाके का समस्या पेंटिंग पड़ा हुआ था, नीले चौधरी साहब हुआ, हम लोग हुआ, उसको बहुत प्रयत्न किया और महापौर मैडम ने साथ दिया और उस साथ को यश मिला और टेंडर पास हुआ और टेंडर की आज ओपनिंग कर रहा हूँ। ना बोल के दो शब्द सुन। सबसे बड़ी टाकी आज इस कामतघर के परिसर में बन के खड़ी है और इसका आज पानी का मतलब जो समस्या है वो आज पूरा हो गया, और पंपिंग जो स्टेशन बनने का जो ओपनिंग है वो हमारे मैडम प्रतिभा ताई पाटिल इन्होंने किया। इसके लिए उनका हमारे तरफ से, पूरा कामतघर वासियों की तरफ से उनका शुभेच्छा, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और ये जो पानी का किल्लत है जो पूरे कामतघर में थी वो अभी, जैसा काटेकर साहब बोले कि 80% पूरा हो गया, वो 80% पूरा हो गया है और आने वाले दिनों में जो 20% बचा है वो भी शायद आने वाले दिनों में वो भी पूरा करने की कोशिश हम लोग सब जरूर करेंगे। और हमारे पास हमारे आमदार दोनों तरफ के और हमारे सब पूरा बॉडी और हमारे महापौर मैडम, ये सब हमारे साथ में है कामतघर के ऊपर, और कामतघर का विकास जल्दी होगा और पानी का जो किल्लत है वो 100% जल्दी पूरा होगा। ये काफ़ी दिनों से विषय था, पिछली जो है महासभा थी उसमें हमारे जो माजी गठ नेता उन्होंने विषय किया था, हम लोग सब ने इनका साथ में खड़े रह के बात विषय हुआ था कि हमारे यहाँ टाके का काम होगा। तो ये जो पूरा परिसर है, ताड़ाली है, कामतघर है, कामतघर में जो इससे खाली इनके वार्ड, खाली 23 नंबर वार्ड नहीं, 22 नंबर का काफ़ी भाग जो है उसमें भी पानी की इसमें सुविधा होगी। और ये पानी की जो तकलीफ है निश्चित रूप से मेरे हिसाब से ये जो है विनायक नगर तक की पानी की तकलीफ इससे ख़त्म होगी, ऐसा इस टाके का ये है। तो निश्चित रूप से इस भाग के जो लोग हैं उनको एक इसका फ़ायदा मिलेगा, और निश्चित रूप से जो हमारी जो महापौर मैडम है सो प्रतिभा ताई पाटिल, उनके माध्यम उनके कार्यकाल में अच्छे काम हो रहे हैं। निश्चित रूप से आगे भी जो विकास है, जब उन्होंने बताया भोसले साहब ने, निश्चित रूप हम लोग सभी नगर सेवक जो है, भले ही हम लोग अलग अलग पक्षों से हैं लेकिन हमारा उद्देश्य जो है कि हमारे भाग का कैसे विकास होगा, हम लोग साथ मिलकर इसमें काम कर रहे हैं। उसमें हमको जैसे बताया उन्होंने, आमदार खासदार और हमारी महापौर मैडम सबको हमको इसमें मदद हो रही है। निश्चित रूप से हम लोग कामतघर का जो भाग है बचे हुए जो काम हम लोग जल्दी ही पूरे करेंगे। वासियों को नवरात्रि की मेरे परिवार के तरफ से, मेरी पार्टी के तरफ से शुभकामनाएं। वैसे ही आज जो ताड़ाली स्मशान भूमि पे पानी के टाके का भूमि पूजन अभी मैं हमारी महापौर मैडम, हमारी ताई प्रतिभा ताई पाटिल, हमारे गुरु नीलेश चौधरी काटेकर साहब, हनुमंत चौधरी, महेश पाटिल, योगिता पाटिल, अस्मिता ताई, उसके महेश पाटिल, हम सब लोग मिलके हमारे वार्ड के हमारे भाई जी श्याम जी अग्रवाल सभी और यहाँ के जनता सब लोग यहाँ पे आइए। बहुत साल से बहुत ये प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम सब जगह पे चालू था हमारे एरिया में बहुत। फिलहाल मेरे घर पे, मेरे घर की औरत, मेरी खुद की औरत दीपाली पाटिल नगर से रह के भी 3 साल से पानी नहीं है, मैं खुद बोरिंग का पानी पी रहा हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्या ये जो पानी है अभी हम लोग को 6 महीने के अंदर मिलेगा। मेरी औरत सुबह ही मेरे को बोली दीपाली पाटिल कि अभी तो आपने को पानी मिलेगा ना, तो बोला 100% मिला। नीलेश चौधरी का प्रयास चालू ही था, उसके साथ में मैं ही रहता था ज़्यादा करके, हर दिन हर जिस पे हमारे गुरु नीलेश चौधरी हर बार लेटर लेके करते थे, हर एक प्रॉब्लम में वो फिलहाल हर एक इसमें बोलते थे हमारा पानी कब आएगा। और मैं अभी मैडम को एक फिर से एक बार बोल रहा हूँ हाथ जोड़ के, ये टाकी चालू हो रही है, उसके बाद में हमारे फैना गाँव में भी एक टाकी है, वो भी 15 साल से बनी पड़ी है, वो लीकेज ना हुए इससे पहला, उसको भी जल्दी से जल्दी परमिशन मिले। इसमें जो है यहाँ पे दफन भूमि और गार्डन के लिए मैंने मांग की है 2 साल पहले, मेरा लेटर गया हमारे गुरु नीलेश चौधरी का भी है, महेश पाटिल, हनुमंत चौधरी सबका लेटर है। तो मैं बोलता हूँ भिवंडी में सबसे बड़ी जगह है हमारे ताड़ाली स्मशान भूमि की है मेरे ख्याल से, तो इसको आप लोगों के हवाले न जाने से अच्छा है कि इधर कुछ काम होवे, नहीं तो लोगों की घर झोपड़ियाँ बनती है। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, लोगों की झोपड़ियाँ बनती है, कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छी जगह है, अच्छा कुछ काम होएगा, बच्चों लोग को खेलने को होएगा, दफन भूमि होएगी, गार्डन होएगा, पानी होएगा। इसीलिए आप लोग को हाथ जोड़ के बोलता हूँ, मैं कमिश्नर साहब को भी लेटर दूंगा और आपको भी दूंगा, फेना टाके और ये ताड़ाली का जरा ये विकास होवे।